अस्सलाम वालेकुम। आज का मॉर्निंग आउटलुक डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि मार्केट में एक मेजर सेल ऑफ आया था। मार्केट में हमने देखा कि 600 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है वो मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड रहा। उसका प्राइमरी रीज़न यही था कि जो रात को फिपिलिपी का डेटा आया उसमें हमें यही पता चला कि जो म्यूचुअल फंड्स उनकी जानब से सेल ऑफ आया था। एंड मोस्टली हमने देखा कि ENP सेक्टर में सेल ऑफ हमें देखने को मिला। ऑब्वियसली मार्केट में जो मेजर कंसर्न्स हैं वो IMF को लेके हैं और जो FX की साइड पर प्रेशर्स हैं उसको लेकर हैं, तो वो एक चीज़ तो कंट्रीब्यूट मार्केट में कर ही रहेगी। मार्केट के लिए चूँकि क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है वो 40,400 का लेवल है, तो मोस्ट लाइकली आज मार्केट उसको टेस्ट कर सकती है। एंड कल हमने देखा था कि वैल्यू क्रेडिट जो है उसमें इजाफा देखने को मिला था। सो वी कैन सी के मार्केट में आज इनके से अगर मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है सो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज जो फंड्स की जाने की जो सेल ऑफ है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो वी कैन सी के स्पेशली जो सीमेंट्स के स्टॉक्स हैं और जो ENP के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी एंटिसिपेशन रहेगी। इसके अलावा इंडिविजुअली स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हब पावर काफ़ी नीचे है, ईफर्ट काफ़ी नीचे है, EPCL के भी वीक ऑन वीक बेसिस में मार्जिन्स जो है वो बड़े थे, तो इन स्टॉक्स को सीमेंट्स में फौजी सीमेंट और मेपल लीव जैसे सीमेंट को कंसीडर किया जा सकता है बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के तहत। थैंक यू वेरी मच।